तो दोस्तों सर टीम आरसीबी का प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतरीन रहा और दोस्तों हर प्लेयर ने यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोरोना की कंडीशंस की वजह से पूरे आईपीएल को फिलहाल पोस्टपोन करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आईपीएल की बार फिर से स्टार्टिंग हो रही है और हमें 19 सितंबर को पहला मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं हाल ही में यहाँ पर टीम आरसीबी को लेकर 3 बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ गई है, जिसमें यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पर टीम आरसीबी को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली अपडेट आई और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर और दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री को लेकर यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर टीम आरसीबी की ओपनिंग पेयर बदल चुकी है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी आरसीबी के फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी हैं आरसीबी के एक बड़े वाले फैन और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2021 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और आईपीएल जुड़ी और छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्लिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस साल यहाँ पर टीम आरसीबी की तरफ से यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ने बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो ही ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों पूरा आईपीएल जो हमने देखा है इस साल आईपीएल जारी के जितना भी हुआ है उसके अंदर कप्तान विराट कोहली ने अपने कहे के मुताबिक यहाँ पर ओपनिंग की है। लेकिन दोस्तों अभी अभी यहाँ पर इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से एक बहुत ही चौंकाने वाली अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर दोस्तों आगे आने वाले आईपीएल में जो कि दोस्तों फेज 2 होगा यहाँ पर यूएई के अंदर, दोस्तों वहाँ जो प्लेइंग 11 रहेगी टीम आरसीबी उसमें काफी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग पेयर भी बदल जाएगी, यानी दोस्तों हमें देवदत्त पड्डीकल तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली जो है एक बार फिर से नंबर 3 पर खेल सकते हैं जी दोस्तों। और दोस्तों उनकी जगह पर टीम आरसीबी जो है किसी और खिलाड़ी को मौका दे सकती है और दोस्तों ऐसी कंडीशन में सिर्फ यहाँ पर 2 ही ऑप्शन बचते हैं टीम आरसीबी के पास। और दोस्तों बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो दोस्तों एक तो है पर इंडिया के अनकैप खिलाड़ी यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद अजुद्दीन, जिनको के अभी तक एक भी मुकाबले मौका नहीं दिया पर टीम आरसीबी ने। और वहीं दोस्तों दूसरे प्लेयर की बात करूं तो दोस्तों ये निकलकर सामने आते हैं फिन एलन। जी हाँ दोस्तों फिन एलन को भी एक भी मुकाबले में अभी तक मौका नहीं दिया और दोस्तों ये भी काफी अग्रेसिव खिलाड़ी और दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी कहेंगे मोहम्मद अजुद्दीन भी और दोस्तों इसी के साथ फिन एलन दोनों ही काफी टक्कर के खिलाड़ी हैं और दोस्तों ओपनिंग कर सकते हैं। काफी बेहतरीन का प्रदर्शन रहा है, हमने देखा है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से जो सीरीज रही थी उसके अंदर यहाँ पर फिन एलन का काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखा था हमने T20 सीरीज के अंदर। और दोस्तों इसी के साथ आप जानती हैं कि यहाँ पर दोस्तों विजय जा ट्रॉफी के अंदर यहाँ पर मोहम्मद अजुद्दीन का कितना शानदार प्रदर्शन हमने देखा है और ऐसी कंडीशन में दोनों में से कौन से खिलाड़ी को मौका देती है टीम आरसीबी ये तो बात की बात है। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक यही है कि यहाँ पर कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर यूएई के अंदर। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके ओपिनियन दोस्तों आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर टीम आरसीबी को इससे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े क्रिकेटर्स की भी यही राय थी कि यहाँ पर कप्तान विराट कोहली को फिर से नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए, यहाँ पर ओपनिंग नहीं करनी चाहिए और ओपनिंग के लिए किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए और दोस्तों ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए अगर ऐसा होगा तो सही रहेगा कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वही बात करूं आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने रही टीम आरसीबी की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग को लेकर। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब सब कुछ कंफर्म हो चुका है यहाँ पर आईपीएल 2021 को लेकर, बचे हुए आईपीएल को लेकर, बचे हुए 31 मुकाबलों को लेकर और दोस्तों वेन्यूज यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं डेट जो है सब कुछ फाइनल हो चुका है। दोस्तों हमें यूएई के अंदर बचा हुआ आईपीएल देखने को मिलेगा और इसी के साथ पहला मुकाबला जो होगा वो 19 सितंबर को यहाँ पर टीम आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता कि इसके रिगार्डिंग यहां पर टीम आरसीबी जो काफी ज्यादा सीरियस है साल आईपीएल 2021 के लिए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं टीम आरसीबी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए साल आईपीएल 2021 के अंदर, काफी बेहतरीन काफी शानदार शुरुआत जिसको कह सकते हैं यहां पर टीम आरसीबी को मिली है। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहां पर टीम आरसीबी जो है ऐसी शुरुआत को और ऐसे यहां पर प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है और इसीलिए दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पर आज के दिन यहां पर टीम आरसीबी की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई थी। यहां पर दोस्तों ऑनलाइन मीटिंग थी लेकिन आपको बता दूं इस मीटिंग के अंदर काफी बड़े बड़े फैसले काफी बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाई गई हैं इस साल आईपीएल 2021 के लिए, क्योंकि दोस्तों यूएई की जो पिचें होंगी वो अलग होंगी, उनका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। दोस्तों पिछले साल के एक्सपीरियंस को यहां पर दोस्तों खिलाड़ियों के साथ आपस में बांटा गया है और दोस्तों यहां पर दूसरों खिलाड़ियों की राय ली गई है और दोस्तों काफी बड़ी बड़ी रणनीतियां तैयार की गई है और दोस्तों खिलाड़ियों को साफ तौर से कह दिया है कि जो भी खिलाड़ी फ्री है यहां पर अपने घर पर है वो अपनी प्रैक्टिस को अपनी फॉर्म को यहां पर बरकरार रखे, अपनी फिटनेस के ऊपर पूरा ध्यान दे, क्योंकि अगर बचा हुआ आईपीएल जो टीम आरसीबी को जीतना होगा कैसे भी करके बढ़िया प्रदर्शन करना होगा और ये
मुमकिन हो जाएगा अगर यहाँ पर टीम आरसीबी का हर खिलाड़ी ना बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर टीम आरसीबी अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगी। और यहाँ पहले मुकाबले के अंदर जैसी शुरुआत यहाँ पर टीम आरसीबी को फेस वन में मिली है वैसी शुरुआत यहाँ पर यूएई के अंदर फेस टू में लेनी है और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर टीम आरसीबी को अपना हर संभव प्रयास करना पड़ेगा जीतने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर टीम आरसीबी के हर खिलाड़ी को अपना प्रैक्टिस को बरकरार रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई तो दोस्तों काफी बड़ी बड़ी नीतियां बनाई गई हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए पहला मुकाबला जो होगा यहाँ पर टीम आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में इसमें कौन सी टीम के जीतने के सबसे चांसेस नजर आ रहे हैं आपके मुताबिक नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी खबर के बारे में तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर दोस्तों आईपीएल 2022 को लेकर। दरअसल दोस्तों यहाँ पर टीमें जो है आईपीएल 2021 को लेकर यहाँ पर इसी के साथ आईपीएल 2022 की भी तैयारियों में है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर टीमें जो है काफी बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रही है यहाँ पर आईपीएल 2022 को लेकर। दोस्तों यहाँ पर रिटेन प्लेयर्स और रिलीज प्लेयर दोस्तों लगभग कंफर्म हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर इनसाइड स्पोर्ट्स की न्यूज को फॉलो करते होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा लगभग सभी टीमों का यहाँ पर क्या रिटेन प्लेयर और क्या रिलीज प्लेयर हो सकते हैं लिस्ट जो हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर टीम आरसीबी जो है यहाँ पर आईपीएल 2022 को लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस है। और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर रिलीज प्लेयर्स और रिटेन प्लेयर्स के अलावा यहाँ पर दोस्तों टीम आरसीबी जो है यहाँ पर टारगेटेड प्लेयर्स को लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस और काफी बड़े बड़े यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर मीटिंग कर रही है। और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर टीम आरसीबी जो है यहाँ पर अगले साल यहाँ पर आईपीएल 2022 के ऑक्शन के अंदर जो कि यहाँ पर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली मेगा ऑक्शन होगा इस ऑक्शन के अंदर पर स्क्वाड में काफी बड़े बड़े चेंजेस कर सकती है। और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर टीम आरसीबी जो है और दोस्तों आपको बता दूं जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ पर टीम आरसीबी जो दो तरीके के प्लेयर्स को सबसे टारगेट करेगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी की दो ही सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है फिलहाल। एक तो यहाँ पर ओपनिंग की क्योंकि दोस्तों ओपनिंग जिस तरह की चाहिए वहां मिल नहीं पा रही है यहाँ पर टीम आरसीबी को जैसे कि हमने देखा था फेस वन के अंदर भी। और वहीं दोस्तों दूसरी कमी के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये निकलकर सामने रही डेथ ओवर गेंदबाजी की। दरअसल दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी की डेथ ओवर गेंदबाजी जो है सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है साल आईपीएल 2021 के अंदर भी। और दोस्तों इन्हीं कमियों के ऊपर पूरा ध्यान देगी यहाँ पर टीम आरसीबी अगले साल और दोस्तों इन कमियों को दूर करने के लिए बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी को यहाँ पर टीम आरसीबी परचेज करने की टीम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताएं दोनों कमियों को पूरा करने के लिए कौन से खिलाड़ी टीम आरसीबी के लिए बेस्ट रहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियोस। वीडियो के अंदर मैंने आपको आज यहाँ पर टीम आरसीबी से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।